गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स, आज हम आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का प्रैक्टिकल बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, आपको ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर बाय द पाइजोली मेथड। आपसे कहा जा रहा है कि पाइजोली साइंटिस्ट से पाइजोली विधि से पानी का या किसी अन्य द्रव का क्षमता गुणांक ज्ञात करो। ऑपरेटर्स यूज ये है, आपका ये विस्कोसिटी सेट है। इस स्केल को कहते हैं मैनोमीटर, इसको रिसीवर बोलते हैं, और ये तीन इसमें से एक सिरे से पानी इसमें जाएगा, बीच में एक सिरे से इसमें से निकलेगा, जैसे कि ये निकल रहा है, और इसको ये फिर इतना ऊंचा रखते हैं कि इससे थोड़ी हाइट कम रखते हैं कि इससे ऊपर पानी ना निकल जाए। पानी चढ़ेगा उतरेगा, इसमें ये देखिए पानी चढ़ रहा है, यहाँ से चल के पहला सिरा ये है टोटी में हमने लगा दिया, ये लगा है, ये देखिए निकाला मैंने, फिर से लगा दे रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। और दूसरा सिरा ये पानी इसमें अभी आएगा, ये इसमें से ये दूसरा सिरा पानी देखिए बह रहा है, पहला सिरा ये आ गया और दूसरा किनारे वाले सिरे से ये पानी निकल रहा है, और तीसरा ये जो है पानी इसमें जा रहा है और यहाँ से ये कैपिलरी ट्यूब में जा रहा है, ये देखिए पानी चढ़ा है यहाँ तक के, और फिर ये यहाँ से चढ़ते हुए इधर से वापस होकर फिर इधर आ जाएगा और ये यहाँ तक चढ़ेगा। आप इसको कहते हैं पिंच कॉक, इसको आप अगर कभी कदर पीएच ढीला है तो आप इसको ठीक से ढीला है तो इसको कस लीजिए, अगर कसा हुआ है तो पानी नहीं टपकेगा, इसको आपको पानी बूंद बूंद टपकाना, ड्रॉपिंग बाय ड्रॉपिंग टपकाना है। पानी चढ़ेगा उतरेगा, पानी मैनोमीटर स्केल में, इस स्केल को कहते हैं मैनोमीटर, ये मैनोमीटर देखिए ये पानी चढ़ा है और इधर ये चढ़ा है, ये वन साइड या और ये अदर साइड कहलाएगा। ये स्केल बना हुआ है, एक मिलीमीटर, दो मिलीमीटर, तीन मिलीमीटर, पाँच मिलीमीटर, एक सेंटीमीटर, दो सेंटीमीटर, इस तरीके से पता लगेगा। इसी तरीके से इधर स्केल बना हुआ, पानी चढ़ेगा उतरेगा, चढ़ेगा उतरेगा, जब पानी रुक जाए, कॉन्स्टेंट हो जाए, आपको तसल्ली हो जाए कि अब पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा और ना नीचे उतरेगा, तो आप इसकी रीडिंग नोट कर लेंगे। और रीडिंग नोट किस में करेंगे, ये टेबल बनी हुई है, ये देखिए सीरियल नंबर, मैनोमीटर रीडिंग वन एंड, इसकी रीडिंग नोट करेंगे, इधर दिखाइए, वन एंड इधर की रीडिंग नोट करेंगे, अदर एंड इसकी रीडिंग नोट करेंगे, और इसमें से जो बड़ी हो ए डिफरेंस भी, तो माइनस का निशान आप जानते ही हैं और डिफरेंस का निशान भी जानते हैं, तो जो बड़ा हो उसमें से घटा दें, और इसमें रीडिंग जो भी आएगी वो प्लस ही में आएगी। फिर वैल्यूम, अब इसके आगे क्या करते हैं, ये स्टॉप क्लॉक है, ये स्टॉप क्लॉक है, विराम घड़ी जिसे बोलते हैं, यहाँ से चलेगी सुई और ये चक्कर होगी तो पूरा एक मिनट होगा, ये देखिए चल रही है, ये चल रही, ये पूरा राउंड लेगी तो एक चक्कर, दूसरे चक्कर, ठीक है। इस तरीके से अभी आपको हम बताते हैं, ये मेजिंग सिलेंडर है, इसको मेजिंग, एक केमिस्ट्री वाला मेजिंग सिलेंडर, 10 20 30 40 50 60 70 ऐसे, ठीक है। अब आप जब ये पानी कांस्टेंट हो गई तो इसकी रीडिंग नोट कर ली, और नोट करने के बाद अब रीडिंग लेने चल रहे हैं, इसकी ही रीडिंग लेना है। देखिए जैसे ही पानी, पानी जैसे ही हम रीडिंग लेना शुरू करेंगे, इस घड़ी को ऐसे स्टार्ट कर देंगे कि स्टार्ट हो जाए, ये पानी चल रहा है, इधर पानी चल रहा है, टप 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 गिर रहा है, ड्रॉपिंग बाय ड्रॉपिंग, और इधर से ये सुई चल रही, जब एक ये चक्कर पूरा घूमेगी तो 60 सेकंड, दूसरा चक्कर घूमेगी तो 120 सेकंड, और तीसरा मिलेगी तो 180 सेकंड में इकट्ठा किया हुआ पानी या कलेक्टेड वाटर जो है आप नोट करें। जैसे ही तीसरे चक्कर पे ये 60 पे पहुंचेगी, इस तरीके से ये नहीं, जैसे ही ये तीसरे चक्कर पे पहुंचेगी इसको स्टॉप कर देंगे, अभी 60 पे पहुंचेगी तो बता रही हूं, ऐसे ही रीडिंग लेते रहेंगे, और जैसे ही ये पहुंचने वाली है 3 मिनट, हाँ एक चक्कर ये घूम गई, 60 सेकंड हो गया, दूसरा चक्कर लेंगे, दूसरा चक्कर लेंगे 120 हो जाएगा, अब ये दूसरे चक्कर के लिए चल रही है और पानी बराबर ड्रॉपिंग बाय ड्रॉपिंग चल रहा है, इधर से देखिए
फिर सरकार ये दूसरा चक्कर इसी तरीके से इस बात को आपको ध्यान देना होगा कि एक सेकंड इसमें ज्यादा ना हो ना एक बूंद, नहीं तो रीडिंग सही नहीं आ सकती। ये दूसरा चक्कर चल रहा है। ये देखिए दूसरा चक्कर हो गया, मतलब 120 सेकंड। अब ये तीसरे के लिए चल गई, इधर भी दिखाते रहो, एक्सरे नहीं दे देता। तीसरा चक्कर खत्म होने वाला है, मतलब 180 सेकंड स्टॉप। और ये हटा लिया, अब इसको जो पानी टपक रहा है टपकने दिए, घड़ी बंद हो गई। 180 सेकंड में कलेक्टेड वाटर, आपने इकट्ठा किया हुआ पानी ऐसे बैठ के यहां से आप पढ़ लेंगे। करीब करीब ये 25 ml आया है, 24 ml। ठीक, इसको ये इसकी रीडिंग, ये इधर से रीडिंग ये थी, हाँ ए की हाइट आपने नोट करी, ये आ गया 25.6 और इधर की नोट आ गई, वन साइड की रीडिंग हो गई 25.6 ए हो गया, और ये बी की साइड की हो गई 41.8 हो गई। इस तरीके से रीडिंग, ए की रीडिंग इसमें बन दी, इधर वाली इधर दिखाइए, एक ही रीडिंग इसमें भर दी, एक ही रीडिंग इधर से भर दी, बी की रीडिंग इधर से भर दी, कलेक्टेड इसमें से जो घटेगा वो एच निकल जाएगा। वैल्यूम आपने अभी 3 मिनट तक पानी कलेक्ट किया था, वो वैल्यूम यहाँ लिख दीजिए, 22 ml 25 ml जो भी हो। और टी टाइम टेकन लिया गया समय 180 सेकंड यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद में Q बराबर होता है V अपॉन T, V की वैल्यू उठा के यहाँ रख दिए, T की वैल्यू यहाँ रख दिए, इससे डिवाइड कर देंगे तो Q की वैल्यू निकल आएगी। इसी तरीके से H का मान यहाँ से निकल आया था, A डिफरेंस B में से जो निकल के आया था H, वो H यहाँ रख दिए, और V अपॉन T को डिवाइड करके जो निकला था वो Q की वैल्यू आई थी वो यहाँ रख दीजिए, इससे निकल के आएगी H अपॉन Q की वैल्यू। ये पहली रीडिंग हो जाएगी कम्प्लीट। अब इसके बाद में इस रीडिंग को चेंज, दूसरी रीडिंग लेने के लिए इसको ना तो इसको छुएंगे, इधर दिखाइए, ना इसको टच करेंगे, ना इसको हिलाए डुलाएंगे, ना इसको, सिर्फ इसकी हाइट चेंज कर देंगे। जैसे ही हाइट चेंज करेंगे वैसे ही ये गिरने लगेगा, ये देखिए गिर रहा पानी, डाउन हो रहा। तो आप इस तरीके से सेट करिए, थोड़ा नीचे आ जाएंगे, फिर ये कांस्टेंट हो जाने के लिए, फिर वही, फिर आप कांस्टेंट होगा, फिर अप डाउन ऊपर चढ़ेगा नीचे होगा, जब कांस्टेंट हो जाए तो फिर उसी तरीके से दूसरी रीडिंग लेने, इसी तरीके से आप 6 रीडिंग लेंगे और हर बार इसकी हाइट डाउन करते जाएंगे और इसकी रीडिंग दोनों की लेते जाएंगे। इसी तरीके से 6 रीडिंग लेके 6 से कल इसको कर लेंगे और ये 6 रीडिंग निकल आएंगी। 6ों को जोड़ के ये जो एच अपान क्यू पहली रीडिंग, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठियों को जोड़ के 6 से डिवाइड कर देंगे, मीन मिल जाएगा, वो होगा एच अपान क्यू। फिर इस फार्मूले में आप पुट अप कर दीजिए, ईटा इज इक्वल टू ये नहीं, ये फार्मूला जो है ईटा इज इक्वल टू पाई बाई जी रो इंटू